उसी दो दिन में जेल के अंदर ही तुम्हारा गत करवा देंगे, पता है ना। 90% आदमी जेल में जो है हम ही लोग का, इसमें चोर है, बदमाश है, जिंदा है, लुच्चा है, मर्डरर सब है, तुमको बाहर में कुछ नहीं होता, जेल में तुम्हारा गत करवा देंगे। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाहे, ये कहावत चरितार्थ हो जाती है राजद के ही एक विधायक पर। आप भी सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं, तो जानने के लिए आपको बने रहना होगा इस खबर के अंत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। इस खबर की शुरुआत हम करेंगे तेजस्वी यादव के उस ट्वीट से जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाल के दिनों में सत्ता संरक्षित व संपोषित अपराधियों द्वारा अनेक नेताओं सहित सैकड़ों लोगों की निर्मम हत्या की गई है तथा 3 सांसदों को धमकी मिली है। मुख्यमंत्री अपराध और बदहाल विधि व्यवस्था को लेकर बिल्कुल ही बेखबर और बेफिक्र हैं। अपराधियों के तांडों पर सरकार और एनडीए के नेताओं की चुप्पी उनके द्वारा गुंडों बदमाशों को दिए जा रहे संरक्षण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बिहार की डबल इंजन सरकार अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए आखिर और कितनी नरबली लेती रहेगी। लेकिन तेजस्वी यादव का ये ट्वीट करना अब उनके लिए गले की हड्डी बन गई है। कैसे, आपको इस खबर में बताते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव के ट्वीट पर जब नजर जाती है तो उनके ट्वीट में एक लाइन है जिसमें वो कह रहे हैं कि एनडीए के नेताओं की चुप्पी उनके द्वारा गुंडों बदमाशों को दिए जा रहे संरक्षण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी दूसरे को जब आप उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ रहती है, और यही तेजस्वी यादव के साथ हुआ, क्योंकि उनके ही एक किशनगंज के कोचा धामन से विधायक हैं जिनका नाम इजहार असफी है, और अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो एक सरकारी शिक्षक से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। उस बातचीत में उस सरकारी शिक्षक को वो धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि वो जेल के अंदर ही अपने गुंडों से दुर्गति करवा देंगे, ऐसी धमकी वो देते नजर आ रहे हैं उस वीडियो में। और हमने जो मुहावरा आपसे शुरुआत में कहा कि घर का भेदी लंका ढाहे, तो उसका तात्पर्य इस वीडियो को वायरल करने वाले शख्स से है। दरअसल जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को वायरल किया है वो किशनगंज के कोचाधामन से विधायक इजहार असफी के बेटे हैं। ये धमकी भरा वीडियो विधायक के बेटे मोहम्मद इम्तियाज असफी ने अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट से खुद वायरल किया है, साथ ही उन्होंने अपने विधायक पिता को भी टैग कर दिया। दरअसल किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के अपग्रेड उच्च विद्यालय अहमदनगर मोधो में पदस्थापित शिक्षक ने स्कूली छात्र की पिटाई कर दी थी। 31 जुलाई 2024 को विधायक इजहार असफी इंसाफ करने के लिए स्कूल पहुंचे थे, और इसी दौरान उन्होंने आरोपी शिक्षक को धमकी भरे लहजे में कहा कि 2 दिन में जेल के अंदर ही तुम्हारा दुर्गति करवा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पता है ना, 90% आदमी जेल में हैं जो बंद हैं, हम ही लोगों के हैं, इसमें चोर हैं, बदमाश हैं, लुच्चे हैं, लफंगे, बदमाश और हत्यारे सब हैं, बाहर में तुम्हारा कुछ नहीं होगा तो जेल के अंदर ही तुम्हारी दुर्गति करवा देंगे। अब जरा नजर डालते हैं तेजस्वी के फिर से उस ट्वीट की जिसमें वो कह रहे हैं कि एनडीए के लोग गुंडों बदमाशों को संरक्षण देते हैं। अब तेजस्वी यादव से ये सवाल करना बनता है कि आपके विधायक खुद कह रहे हैं कि उनके काफी सारे गुंडे बदमाश जेल में बंद हैं, तो अब इस बारे में आप क्या कहेंगे। इस वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद तेजस्वी अपनी ही बातों में घिरते नजर आ रहे हैं, और क्या अब वो इस पर कोई एक्शन लेंगे या इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे कि आपके द्वारा भी संरक्षण दिया जा रहा है गुंडों बदमाशों को। ये तो बस वही बात हो गई जो बिहार में कहावत है कि चलनी दुसलक सूप का, सूप दुसलक चलनी का। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि राजद के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। असर एक वीडियो वायरल हुआ था आपका जो 2 दिन में गत कर देंगे जेल के अंदर मेरा 90% अपराधी इस तरह का। नहीं, आप लोगों ने वीडियो ठीक से नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, ठीक से पढ़ लीजिए फिर समझ में बैठ जाएगा। जी, उसमें बताया जा रहा 2 दिन में गत कर देंगे इस तरह का एक मिनट देख लीजिएगा वीडियो को। वीडियो आपका लड़का ही उसमें अपलोड किया है, देख लीजिएगा ना उसको, क्या बोले हैं हम और क्या आपको सुनाई दे रहा है। जी जी जी, जी। उसमें डिफरेंस बुझाया जाएगा, उसमें कोई खास बात नहीं। तो जेल के अंदर में भी अपना बहुत बड़ा हाथ है ये, इस तरह का वीडियो, इस तरह का वीडियो है सर। 90% लोग क्या है, हम तो नहीं देखे हैं, देखने के बाद बता देंगे आपको। आप लोग भी एक मुर्दा देख लीजिएगा। थैंक यू।
ये मुझे जानकारी थी, कोई टीचर ने किसी बच्चे को पीटा था, ठीक है, मोदो अहमदनगर का है, उसी में जो है स्कूल का ही ये वीडियो है, किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को बेरहमी से पीटा था। एक विधायक के लिए यह कितना अशोभनीय बयान है सर? निश्चित रूप से ये शोभा नहीं देता है कि कोई भी मैं कहूँ कि मेरे 90% लोग जेल में हैं और वो सब गुंडा मवाली है, मैं जेल में तुम्हारा हालत कर खराब। कानून की नज़र में चाहे विधायक हो, सांसद हो, मैं हूँ या कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब बराबर है। आज जो है बहुत सारे मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ रहा है, तो कानून के ही तहत ना, वो अगर कानून से ऊपर होते हैं। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री जेल गए, वापस आए, फिर जो है आपके दिल्ली के गए, लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए गए, तो ये निश्चित जांच की मांग कर रहे हैं आप? वीडियो की जांच निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। सामने आया जो इजहार जी हैं, एक आरजेडी का विधायक, जिन्होंने एक टीचर को धमकी दिया कि तुम मुझे नहीं जानता है, हमारे जो है कि पूरे जेल से लेके और पूरे प्रदेश में हमारी जो है कि रामराज चलती है, तुम जानता है कि हम आरजेडी का विधायक है, गुंडा राज चल रहा है और इस गुंडे राज में हमारी हर जगह सिक्का चल रही है, तुम अपने आप को समझ जाओ, और नहीं तो फिर तुम्हारा जेल में क्या दशा होगा, बाहर में क्या दशा होगा। तो ऐसे स्थिति को तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद देखे, और इस विधायक का जो मीडिया में आया हुआ न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ पे जो मैसेज दिया है, इसको देखे और इसके ऊपर क्विकली जो है कि एक्शन ले और कार्रवाई करके उसको विधायक पद से हटाने का काम करे, तो आदमी समझेगा, बिहार का वासी समझेगा कि लालू प्रसाद में, तेजस्वी आदमी में कुछ जो है कि सुधार है। और ऐसे अब देखना ये होगा कि इस वीडियो से बिहार की राजनीति में क्या कोई हलचल होगी। और अब हमारे दर्शकों से सवाल करना बनता है और पूछना होगा कि आपको क्या लगता है कि क्या राजनीतिक पार्टियां ही गुंडों और बदमाशों को शरण देती हैं? तो आप अपने जवाब कमेंट के माध्यम से हम तक साझा कर सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं, और हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।